हेलो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले हैं वीवो V29 प्रो डिवाइस के अंदर आप कॉल रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट ऑफ कैसे करें। दोस्तों, आप अपने फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट बंद कैसे करेंगे दोस्तों, इसी का सेटिंग यहां पे आपको बताएंगे। अगर वीडियो चल गई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसे आप किसी को कॉल लगाते हैं वहाँ पर आप रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं, तो जैसे आप रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं तो वहाँ पर एक साउंड बज जाता है कॉल रिकॉर्डिंग का, तो वो आपको भी सुनाई देता है और जिससे आप बात करते हैं उसको भी सुनाई देता है। तो दोस्तों, इस साउंड से आपको डिस्टर्बिंग होता है। जैसे आप बात कर रहे हैं, किसी बात को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जो साउंड बजता है तो दोनों पार्टी को पता लग जाता है, तो आपकी जो बातें वो रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, आप अपने कॉल रिकॉर्डिंग साउंड को बंद करना चाहते हैं तो उसको कैसे बंद करेंगे, यही चीज़ यहाँ पे आपको बताएंगे। तो चलिए अपने सेटिंग को ओपन करते हैं और वहाँ से आपको बताते हैं किस तरह से आपको अपने फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट बंद करना है। दोस्तों, उसके लिए आपको अपने डायलर को ओपन करना है। तो हम अपने डायलर को यहाँ पर ओपन कर लिया। आप देख लीजिए, हमारा डायलर यहाँ पर ओपन हो गया और ऊपर में आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे सेटिंग आ जाते हैं, तो आपको थोड़ी सी नीचे आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है कॉल रिकॉर्डिंग, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे सेटिंग आ जाते हैं। तो दोस्तों, आपको थोड़ी सी नीचे आ जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है प्ले ऑडियो टोन इन स्टेड ऑफ डिस्क्लेमर, और उसके आगे यहाँ पे एक छोटा सा बटन है, आपको इसको इनेबल करना है। जैसे आप इस बटन को यहाँ पे इनेबल करेंगे और यहाँ पे एग्री का ऑप्शन आएगा और ये बटन यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। जब आपके फ़ोन में ये बटन इनेबल हो जाएगा, आपके फ़ोन में कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग साउंड नहीं बजेगा। तो दोस्तों, ये जो सेटिंग है सभी फ़ोनों के अंदर अभी नहीं लगभग मिला है। ये सेटिंग आपका जो गूगल डॉलर है उसको अपडेट करना होगा, इसके बाद ही आपके फ़ोन में ये ऐड होगा। अगर आपका जो डॉलर है वो अपडेट है तो आपके फ़ोन में ये सेटिंग मिल जाएगा। अगर जो आपका डॉलर है वो अपडेट नहीं हुआ है, तो आपको अपने प्ले स्टोर में जाके अपने डॉलर को अपडेट कर लेना है और आपके फ़ोन में ये सेटिंग है जो वहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों, इस तरह से आप अपने फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट बंद कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा किस तरह से आपको अपने फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट बंद करना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें। अगर हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।